एक तरफ जहां प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्ती बरत रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा भी लगातार अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। फिर भी कुछ मनबढ़ दबंग किस्म के लोग राजनीतिक संरचना में अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब रविवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के हरिया गांव निवासी लालमन गुप्ता ने थाने पहुंच प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि गांव के पूर्व प्रधान द्वारा रंगदारी न देने पर उसकी बाउंड्री वाल को गिराने के साथ जानमाल की धमकी दी जा रही है। पीड़ित का कहना था कि वह रोजी रोटी के चक्कर में विगत कई वर्षों से मुंबई में रहकर काम करता है। 3 दिन पूर्व ही वह अपने घर आया और मकान में साफ सफाई कर रहा था, तभी गांव के पूर्व प्रधान कुछ लोगों के साथ आदम के और जबरन 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने लगे। पीड़ित ने जब पैसा देने से मना किया तो उसके घर की बाउंड्री वाल को गिरा दिया गया। पीड़ित ने जब इस मामले की शिकायत कोतवाली में की तो पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़ित का कहना था कि पहले भी इनके खिलाफ थाने में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के चलते इनके खिलाफ अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है, लेकिन इस बार पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा दी है ताकि उसे न्याय मिल सके। अब देखना यह है कि इस मामले में प्रदेश की योगी सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है। आलमन गुप्ता, ग्राम छोटी हरैया, थाना कोतवाली के रहने वाला हूँ। तो क्या समस्या हुई है? समस्या, मैं बॉम्बे रहता हूँ 40-42 साल से। मैं आया यहाँ गांव पर, थोड़ा सा टालने लगा, उसके बाद मेरे को आए, बोले 1 लाख रुपया दे दो, नहीं तो दीवार तुम्हारा गिरा दूंगा। समर सिंह प्रधान है, पूर्व प्रधान है, गिरा दिया। बोला क्यों बात कर दूँ पैसा तुमको, मैं अभी भी तो आया हूँ बॉम्बे से, परसों आया उतरा गाड़ी से, नहीं तो दोगे तो ठीक नहीं पड़ेगा, जान से मार दूंगा। क्या जबरी कर रहे थे? हाँ, जबरी जबरदस्ती पैसा मांग रहे हैं। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? मैं कोतवाली में शिकायत किया। क्या किया आपके साथ? पैसा नहीं दिया। मैं कोतवाली चला आया, बाउंड्री गिरा दी, गिराने के बाद मैं चला आया कोतवाली, ऐसा ऐसा हुआ। तो क्या हुआ अभी, क्या मिला है आपको? बड़े कार्रवाई करेंगे।